सब्सक्राइब कीजिए विकास कागड़ा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले टेक्निकल वीडियो पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दो स्मार्टफोन के बारे में। एक तरफ हमारे पास है Xiaomi का Mi 10i और दूसरी तरफ है OnePlus Nord। दोस्तों, इन दोनों फोन में आपको 5G का सपोर्ट मिलता है, लेकिन दोनों फोन में दोस्तों इन दोनों फोन के अपने अलग अलग फ्यूचर है। आज हम इस वीडियो में इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि इन दोनों फोन में से कौन सा बेस्ट फोन है और आपको इनमें से कौन सा फोन खरीदना चाहिए। आइए शुरू करते हैं। Mi 10i वर्सेस OnePlus Nord, इन दोनों फोन में हम 5G की बात करें तो दोस्तों इन दोनों फोन में आपको 5G का सपोर्ट मिलता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको Mi 10i में एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जबकि आपको OnePlus Nord में स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है। Mi 10i की डिस्प्ले की बात करें तो इसमें आपको 6.67 इंच का डिस्प्ले जो कि 2.5D डॉट डिस्प्ले मिलता है, और इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। साथ ही आपको इसमें रेजुलेशन की बात करें तो 2400x180 पिक्सल का रेजुलेशन देखने को मिलता है, और इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले मिलता है। कवर ग्लास की बात करें तो इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। वन प्लस नोड में आपको 6.44 इंच का डिस्प्ले मिलता है जो कि अमोल डिस्प्ले है, और इसमें आपको 90 हर्ट का रिफ्रेश रेट मिलता है। साथ ही आपको 2400x180 पिक्सल का रेजुलेशन मिलता है, 408 पिक्सल पर इंच आपको इसमें मिलता है। और कवर ग्लास की बात करें तो इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। इन दोनों फ़ोन में स्टोरेज की बात करें तो दोनों ही फ़ोन में आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB का स्टोरेज Mi 10i में मिलता है, जबकि आपको वन प्लस नोड में 6 GB रैम के साथ 64 GB का स्टोरेज मिलता है। फिंगरप्रिंट की बात करें तो आपको Mi 10i में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जबकि आपको वन प्लस नोड में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। रियर कैमरे की बात करें तो Mi 10i में आपको 4 कैमरे देखने को मिलते हैं। मेन कैमरा आपको 108 मेगापिक्सल का मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको मिलता है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा आपको इसमें देखने को मिलता है। वही अगर हम वन प्लस नोड में रियर कैमरे की बात करें तो आपको इसमें भी 4 कैमरे मिलते हैं। 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जिसमें आपको सोनी का IMX586 सेंसर से लैस है, वही आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है, और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा मिलता है, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिलता है। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप दोनों ही फ़ोन में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग आसानी से कर सकते हैं, और दोनों ही फ़ोन में आपको फ्लैश 12 LED दी गई है। और फ्रंट कैमरे की बात करें तो आपको Mi 10i में 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, जबकि आपको वन प्लस नोड में ड्यूअल कैमरे मिलते हैं जिसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सोनी का IMX616 सेंसर मिलता है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो आपको Mi 10i में स्नैपड्रैगन का 750G प्रोसेसर मिलता है, और इसमें आपको GPU मिलता है एड्रिनो का 619। वही आपको वन प्लस नोड में स्नैपड्रैगन का 765G प्रोसेसर मिलता है, और GPU आपको एड्रिनो 620 मिलता है। बैटरी कैपेसिटी और चार्जिंग की बात करें तो आपको Mi 10i में 4820 mAh की बैटरी के साथ 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर मिलता है, और वन प्लस नोड में आपको 4115 mAh की बैटरी के साथ वाप चार्जर 30T मिलता है। चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो आपको दोनों ही फ़ोन में USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा। वही अगर दोनों फ़ोन के प्राइस की बात करें, Mi 10i का प्राइस आपको 20,999 रुपये में मिलेगा, लगभग 21,000 रुपये में। वही अगर वन प्लस नोट के प्राइस की बात करें तो इस फ़ोन का प्राइस आपको 24,999 रुपये में देखने को मिलेगा, लगभग 25,000 रुपये।
दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपने सेगमेंट में बेस्ट स्मार्टफोन है। इन दोनों में से आप किसी भी स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं, लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन डिपेंड करते हैं आपके बजट पे। यदि आपका बजट 21,000 रुपए के आसपास है तो आप Xiaomi Mi 10i ले सकते हैं। यदि आप अपने बजट में 4,000 रुपए और ऐड कर सकते हैं तो दोस्तों आप OnePlus Nord ले सकते हैं। OnePlus Nord में आपको Xiaomi Mi 10i से अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है, साथ ही एक बेस्ट स्मार्टफोन है। वैसे तो दोनों ही स्मार्टफोन है दोस्तों, आप इनमें से किसी भी स्मार्टफोन को ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट जरूर करें।